निश्चित 2 रन अपनी टीम के लिए, जो काफी महत्वपूर्ण कहा जाएगा। लास्ट ओवरों में जितने रन कम खर्च करेंगे उतना फायदा। राशिद की ये गेंद शाहरुख के लिए, शॉर्ट की गेंद, फाइन लेग बाउंड्री की तरफ गेंद को फील्ड किया, मात्र 1 रन, अच्छे फील्डिंग। सिंगल से संतुष्ट है बाबा क्लब के खिलाड़ी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बाउंड्री बचानी होगी। ये गेंद अफसर के लिए, पुनः ये गेंद अच्छी फील्डिंग, क्या बोला, मात्र 1 रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज, लेकिन विकेट दिला दिया जोंटी ने। क्रिकेट को क्रिकेट की तरह से खेले बाबा क्लब के खिलाड़ियों को मैं बता दूं, मजाक ना करें, क्योंकि मैच में अगर जीतना है, आगे पहुंचना है, क्योंकि यहाँ से अगर मैच हारते हो तो निश्चित ही बाहर का रास्ता देखोगे। तो अच्छा प्रदर्शन करो, खेल इस तरह का दिखाओ तो दर्शकों को भी लगे नौजवान लड़के हैं, अच्छा क्रिकेट खेल के दिखा रहे हैं। मजाक नहीं होनी चाहिए, लास्ट के ओवर में ऐसी हरकत नहीं, आई डोंट बिलीव दिस, मुझे विश्वास नहीं होता ऐसा कर सकते हो। बल्लेबाज का नाम मंटू है ना, मिंटू, स्कोर ओवर के बाद बता दूंगा, दिक्कत ना दे, एक बॉल का इंतजार करें। शाहरुख का स्थान लेने पहुंचे हैं मिंटू, बेहतरीन ड्रेस में किटअप है बाबा क्लब की टीम, देख सकते हैं राजस्थान रॉयल की ड्रेस है। ये गेंद मिंटू के लिए, अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट, जाते ही मिंटू ने पहली गेंद पर चौके से खाता खोला। 7 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर मैं आपको बता दूं, 72 रन, 5 विकेट के नुकसान पर हनीफ गढ़ी, 7 ओवर, 72 रन, 5 विकेट के नुकसान पर मिंटू और अफगान विकेट पर जमे हुए, मात्र 6 गेंदों का खेल बाकी है इस पारी की जानिब से, देखना है लास्ट ओवर कौन कराते हैं। हनीफ गढ़ी का स्कोर है 7 ओवर 72 रन, खत्म हो जाएगा ना, देख यहाँ से खत्म मत करना, यहाँ से पॉज कर दें, जब इनिंग शुरू हो ये सब प्ले कर दें। अरशान अपने कोटे का आखिरी, टीम की जानिब से भी आखिरी ओवर करेंगे अरशान। हनीफ गढ़ी और कौन सा खेल रहा वो बता दो, हनीफ गढ़ी वर्सेस बाबा 11 क्लब के बीच ये मैच हो रहा है। हनीफ गढ़ी ने पहले बैटिंग करते हुए 7 ओवर में 72 रन बना लिए। अर्शान सामना करेंगे अफजल, मात्र इस पारी में 6 गेंदों का खेल शेष है, पारी का लास्ट ओवर लेकर आए हैं अर्शान। 7 ओवरों में 5 विकेट खोकर हनीफ गढ़ी ने, पारी का आखिरी ओवर, अपने कोटे का भी आखिरी ओवर, देख सकते हैं मेरे मगर भाई ग्राउंड के अंदर घूमते हुए, इनका काफी योगदान है इस टूर्नामेंट में, जो काफी अच्छी बात है। अर्शान एक बार फिर अफजल के लिए, अर्शान की गेंद और अफजल मारना चाहते थे, बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं, बॉल पैड पर लगी, कीपर ने अपील की लेकिन एम्पायर ने नकारा। जैसा कि मैं बता रहा था मगर भाई के बारे में, देख सकते हैं आप कैमरे में जो कैद है वो इन्हीं की वजह है। अर्शान एक बार फिर अफजल के लिए और अर्शान ने खेला है सीधा फील्डर के हाथों में और कैच आउट, शानदार कैच लिया ले स्टंप पर खड़े फील्डर ने, पहला कैच लिया है ये, लेकिन पहली बार बाबा 11 क्लब ने इससे पहले 7-8 कैच छोड़े, और ये जो सेवा दी जा रही है ये मजर भाई की जानिब से दी जा रही है, जो ये जेसोपुर से आते हैं और इनकी टीम भी है टूर्नामेंट में। बल्लेबाज का नाम बता दें, अर्शान एक बार फिर सिद्धू के लिए और सिद्धू ने हल्के हाथ से खेला है सीधा फील्डर के हाथों में आसानी से 1 रन, स्ट्राइक पर पहुंचे सिद्धू, एक बार फिर अर्शान
सामना करेंगे सिद्धू। विकेट कीपर विक्टो से सटे हुए एम्पायर को क्रॉस किया। अर्शान की ये बॉल और मारा है बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। चरण पहली गेंद पर लंबा गगनचुंबी छक्का, जबरदस्त छक्का, खूबसूरत शॉट लेग स्टंप के ऊपर से उठा बैट्समैन के बल्ले से निकलता हुआ शानदार शॉट। सिद्धू ने अपना खाता खोला और टीम का स्कोर बढ़ाया। जो इंडिया के बेहतरीन ऑलराउंडरों में आते थे ये गेंद सिद्धू के लिए। अर्शान की गेंद फिर उसी अंदाज में खेल दिया है फील्डर उसके नीचे देख पाते हैं और ये कैच आउट शानदार कैच। लेकिन आसानी के साथ में उसको कैच किया, सातवें विकेट का पतन। और इसी के साथ हनीफ गढ़ी को लगने वाला ये सातवां झटका। पारी की लास्ट गेंद है 79, 79 रन हो गया स्कोर हनीफ गढ़ी का। ओवर की आखिरी बॉल, अर्शान एक बार फिर सिद्धू के लिए और सिद्धू ने फिर हल्के हाथ से खेला है सीधा फील्डर के हाथों में और देख पाते हैं एक रन ले पाते हैं दो रन और एक ही रन वहीं पर रन आउट हो जाता। रन आउट हो गए शायद बाउंड्री काट गए। तो 81 रन बनाने होंगे, 8 ओवर 80 रन लंबा बना है हनीफ गढ़ी ने पहले बैटिंग करते हुए। अब बाबा क्लब 81 रन का टारगेट दिया है, देखना होगा उसे चेस कर पाता है बाबा क्लब। बाबा क्लब की ओपनिंग क्रीज पर आ चुकी है बाबा क्लब को 81 रन का टारगेट दिया है हनीफ गढ़ी ने। फैसल स्ट्राइक पर है शाहबाज और नॉन स्ट्राइक पर है फैसल। 8-8 ओवर का ये मैच है, 2 ओवर का पावर प्ले है। सिद्धू आए हनीफ गढ़ी की तरफ से पहला ओवर लेकर और पारी का भी पहला ओवर। कोई दर्शक है जिसने इनाम रखा है सिद्धू के हर विकेट पर 100 रुपए जो मेरे पास जमा हो चुके हैं पैसे। ये गेंद सिद्धू शाहबाज के लिए और शाहबाज ने खेला है भारी सिनिक लेकर एक आसान सा कैच हो सकता था विकेट कीपर द्वारा लेकिन कैच नहीं ले पाए, कैच को नहीं पकड़ पाए वरना फिलिप फील्डर। एक बार फिर सिद्धू, सिद्धू एक बार फिर शाहबाज के लिए। सिद्धू की ये गेंद और शाहबाज मारना चाहते थे बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं, गेंद अंदर की जानी भाई कोई रन नहीं जाके लगी टांगों पर। एलबीडब्ल्यू को छोड़ के हर नियम लागू है इस टूर्नामेंट में। ये गेंद सिद्धू एक बार फिर शाहबाज के लिए और सिद्धू शाहबाज मारना चाहते थे बॉल और बैट का सही से संपर्क नहीं हुआ अंदरूनी किराना लेकर कीपर के हाथों में गई कोई रन नहीं। दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को शाहबाज और फैसल एक बार फिर शाहबाज के लिए। सिद्धू एक बार फिर शाहबाज के लिए और शाहबाज ने खेला है फील्डर उसके नीचे देख पाते हैं नहीं और ये बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन अच्छा चौका, शॉट कहीं और मारना चाहते थे लेकिन फिर भी नतीजा अच्छा। बाबा क्लब के हाथ में बाउंड्री आती हुई पहली बाउंड्री शाहबाज के बल्ले से। एक बार फिर शाहबाज के लिए और शाहबाज मारना चाहते थे लेकिन एम्पायर का इशारा वाइड हुआ लेग एम्पायर की जानिब से और वाइड के रूप में एक रन का और इजाफा होता हुआ। सिद्धू एक बार फिर शाहबाज के लिए और शाहबाज ने उठाकर खेला है फील्डर उसके नीचे देख पाते हैं कैच ले पाते और ये कैच ड्रॉप। इसी तरह बाबा क्लब के फील्डरों ने भी लड्डू से कैच छोड़े थे और वही गलती दोहराते हुए हनीफ गढ़ी के फील्डर। सिद्धू एक बार फिर फैसल के लिए और फैसल ने हल्के हाथ से खेल दिया है बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन शानदार छक्का, एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर में बैक स्टंप की बाउंड्री इतनी छोटी अगर बैट्समैन हल्के से दूसरे शॉट मारते हैं मिस टाइम हो जाए तो बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर।
चली जाती है। शानदार बैटिंग करता हुआ बाबा क्लब। शाहबाज अगर छक्का लगाते हैं तो हर छक्के पर 100 रुपए का इनाम है अफरोज भाई की जानिब से। ये अफरोज भाई की जानिब से फैसल ने जो छक्का लगाया है उसके लिए 100 रुपए मेरे पास आ चुके हैं। बॉलर का नाम बता दें। पारी का दूसरा ओवर लेकर आए और पावर प्ले का लास्ट आबिद। सामना करेंगे शाहबाज। हल्के हाथ से खेल दिया सीधा फील्डर के हाथ में कोई रन नहीं। अपने कोटे का पहला टीम की जानिब से दूसरा ओवर लेकर आए हैं आबिद। आबिद एक बार फिर शाबाज के लिए आबिद की बॉल और शानदार बॉल थी लेकिन एम्पायर का इशारा नो बॉल। फ्री हिट पूरा मौका शाहबाज को हाथ खोलने का पूरी अथॉरिटी हर तरफ से एम्पायर की तरफ से भी थर्ड एम्पायर की तरफ से भी मैच रेफरी की तरफ से भी। ये गेंद शाहबाज अभी एक बार फिर शाहबाज के लिए और शाहबाज ने मारा है बॉल खड़ी हो गई है फील्डर उसके नीचे है और हालांकि फ्री हिट थी कैच ले भी लेते तो आउट ना होता एक रन के साथ में लेकिन कैच नहीं पकड़ पा रहे हनीफ गढ़ी के फील्डर भी। गेंद का सामना किया था और लंबा गगनचुंबी छक्का लगाया था। सामना करेंगे आबिद एक बार फिर फैसल के लिए और फैसल ने हल्के हाथ से खेला है वहाँ कोई फील्डर नहीं है और आसानी से भागकर 2 रन ले लिए। पुश भर किया और हल्के सा लोफ्ट शॉट खेल के 2 रन स्कोर प्राप्त किए। अच्छी समझदारी का परिचय देते हुए फैसल जहाँ की गेंद है वहीं पर शॉट लगाते हुए लगातार एक बार फिर सामने करेंगे आबिद की इस गेंद का फैसल। आबिद एक बार फिर फैसल के लिए आबिद किए गेंद और हल्के हाथ से खेल दिया है गेप में मारा गया शॉट बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। अच्छी बैटिंग करते हुए फैसल अभी एम्पायर चेक करें। कुछ नहीं है लेकिन वहाँ पेड़ था पेड़ में लगकर बॉल वापस आ गई तो इसमें कोई रन नहीं। जब तक एम्पायर का इशारा ना है रनिंग बराबर करते रहे दोनों ही बल्लेबाजों से मैं बता दूं। अभी एक बार फिर फैसल के लिए और मारना चाहते थे बल्ले का भारी किनारा लेकर कीपर के हाथों में और आउट। बाबा क्लब को लगने वाला है बड़ा झटका फैसल के रूप में। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे अभी तक पहले विकेट का पतन होता हुआ राशिद हो तो हाथ उठा दे बहुत बढ़िया राशिद। पहले विकेट का पतन बड़ा विकेट दिलाया आबिद ने हनीफ गढ़ी की टीम को बेशकीमती विकेट गवाया है बाबा क्लब ने। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे गैप रोड के शॉट लगा रहे थे फैसल उठा के मारना चाहते थे बल्ले का ऊपरी किनारा लगा और बाकी काम विकेट कीपर ने पूरा किया बेहतरीन कैच कहा जाएगा। अच्छा विकेट बड़ा विकेट बेशकीमती विकेट दिलाया आबिद ने। अब फैसल का स्थान लेने पहुंचे हैं राशिद। देखते हैं अगले बैट्समैन आए हैं राशिद। अपने बल्ले से अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी होगी दोनों ही बल्लेबाजों को। अभी एक बार फिर राशिद के लिए और राशिद मारना चाहते थे बॉल और बैट का तो संपर्क शायद आज के दिन का क्या हाल है। दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर मैं आपको बता दूं 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दो ओवर की समाप्ति पर बाबा क्लब का स्कोर है 16 रन 2 विकेट। पिच का पूरी तरह से फायदा उठाते हुए हनीफ गढ़ी के बॉलर पिच में नमी है।